मिथिला जागरूकता अभियान फाउंडेशन के द्वारा लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान को प्रोत्साहित करने के लिए ठोस एवं तरल अवशिष्ट प्रबंधन का 10 दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया। इसमें 15 लोगों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया। प्रशिक्षित लोगों को उमगांव में संस्था की संचालिका बिट्टू कुमारी मिश्रा के द्वारा प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। प्रमाण पत्र वितरण करते हुए संचालिका ने कहा कि यह प्रशिक्षण देने का मुख्य उद्देश्य हमारे समाज को स्वच्छ बनाना है। जिस तरह से गांधी जी का सपना था, हम सभी अपने समाज को स्वच्छ रखें और खुद को स्वस्थ रखने के साथ ही वर्तमान समय में सरकार के द्वारा बहुत सारी महत्वाकांक्षी योजनाओं के माध्यम से लोगों को कार्य करने का अवसर मिलता है। कुछ पंचायतों को चिन्हित कर उस पंचायतों में स्वच्छता के ऊपर कार्य करने वाले लोगों को हम समय समय पर प्रोत्साहित करते रहेंगे। कम से कम वह हमारे इस छोटे छोटे प्रोत्साहन से भी समाज हित में अपना योगदान देते रहें और पर्यावरण को स्वच्छ, सुंदर एवं स्वच्छ बनाए रखें। मौके पर युवा नेता विकास कुमार पासवान व प्रशिक्षित संतोष कुमार गुप्ता, अभिषेक कुमार, बॉबी देवी, मधु कुमारी, मंजू कुमारी, राम भरोस पासवान, सुनील, अभिजीत राम, प्रवेश अंजना, रामचरित, मोहम्मद अब्दुल्ला व राजेश कुमार सहित अन्य प्रमाण पत्र ग्रहण किया। उन्होंने लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान को प्रोत्साहित करने हेतु जो पूर्व में हम लोगों ने प्रशिक्षण दिया था 15 लोगों को, उनके बीच हम लोग प्रमाण पत्र का वितरण किए हैं। और ये प्रशिक्षण हम लोगों ने हमारी संस्था मिथिला जागरूकता अभियान फाउंडेशन ने इसीलिए दिया था कि गांधी जी का जो सपना है स्वच्छ भारत का और वर्तमान समय में जो सरकार की बहुत सारी महत्वाकांक्षी योजनाओं के तहत समाज को स्वच्छ बनाने के लिए जो योजनाएं चल रही है, इन सारी चीजों को हम लोग व्यवस्थित रूप से समाज में इन सारी चीजों को हम लोग उतार सके, और इसके लिए कुछ इच्छुक लोगों के साथ मिलकर हम लोगों ने इस प्रशिक्षण को पूर्ण किया है और आज उन सभी लोगों के बीच प्रमाण पत्र का वितरण किया।